गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फाइनली हमें हमारी गाड़ी मिल रही है और मैं जा रहा हूँ आज अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं, तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने। और अभी हम निकले हैं गुड़गांव से, द्वारका मोड़ पे एजेंसी है, वहाँ से हमें गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। गाड़ी की डिलीवरी लगभग 3 बजे होगी। गाड़ी कौन सी है वो सरप्राइज है, अभी थोड़ी देर उसको सरप्राइज रहने देते हैं। आपको डायरेक्ट गाड़ी जब मिलेगी तभी दिखाऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारी ये पहली गाड़ी होने वाली है जिसमें यूट्यूब की कमाई का कुछ हिस्सा जाएगा। तो गाड़ी कितने की पड़ेगी, कौन सी है, कितने पैसे यूट्यूब से आए, ये सारी डिटेल्स आप मेरे साथ बने रहो लास्ट तक। बीच बीच में मैं आपको डिटेल देता रहूँगा। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है गाड़ी की डिलीवरी लेने की। तो जल्दी से चलते हैं, पहुँचते हैं, गाड़ी देखते हैं और आपको दिखाते हैं, डिलीवरी लेते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं एजेंसी पे जहाँ से हमको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। और सरप्राइज़, आधा सरप्राइज़ तो यहाँ ख़त्म हो ही जाएगा जब आप एजेंसी का नाम देखेंगे। एक्चुअली उसका नाम तो सामने से दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये एजेंसी है जहाँ हम अभी आए हैं। और वहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लीजिए, नेक्सा। तो नेक्सा से आप समझ गए होंगे कि हम कौन से ब्रांड की गाड़ी लेने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे, तो उसमें नेक्सा की एक ही गाड़ी थी जो ऑप्शन में थी। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। अदरवाइज मैं अभी आपको अंदर चल के दिखा रहा हूँ। एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। चलिए अंदर चलते हैं। गुड आफ्टरनून। गाड़ी के पेपर साइन हो रहे हैं, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं। तीन पे स्टार्ट करेंगे सर, तीन पे, ठीक है? हैप्पी से अभी रेडी, 1 2 3। तो ये अपनी गाड़ी आ गई है भाई सबके सामने, देख लीजिए, मारुति सुजुकी जिम्नी। मैं बहुत फंबलिंग कर रहा हूँ और एक्साइटमेंट बहुत पीक पर है, क्या बोले समझ नहीं आ रहा। अभी हम अपनी ड्राइव करेंगे और अब उनको ऐसे ऐसे हो रहे लाइन। पहले ये बंद हो गया, एक बार दबाएंगे सिस्टम वगैरह ऑन हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे मीटर में लाइट वगैरह इग्निशन ऑन हो गया, दूसरी बारी के अंदर क्लच पेडल प्रेस करोगे तीसरी बारी में तब स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं वरना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये अब सिस्टम का कंट्रोल सारा ही आ गया। ठीक है, क्रूज का कंट्रोल सारा ही आ गया, स्टीयरिंग इसका टिल्ट एडजस्ट है। ठीक है, ये लाइट की स्टेटमेंट वो कंट्रोल आ गया सारा। ठीक है, फॉग लैंप का ये रहा। तो चाबी अपने पास आ गई है, भगवान जी को एक बार बिठा देते हैं गाड़ी में, एंट्री करते हैं। स्टार्ट कर रखी है। तो मुबारक हो, बहुत बहुत अरशेफ ऑलवेज रहे। आप वहाँ चलो, इसको चलो फिर आ जाए, पीछे पीछे धीरे धीरे। भगवान जी को हम यहाँ बिठा देते हैं, नरसिंह भगवान को। बाय, जय हो नरसिंह देव भगवान की जय। रास्ता भी बता, इधर से लेना है कि सीधा? चल रहे मंदिर और वहाँ गाड़ी की थोड़ी पूजा करवाएंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे गांव चलेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम खुद ही खुद चल रही गाड़ी, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सुपर एक्साइटेड। और यहाँ पर हम भगवान जी के दर्शन करेंगे, पूजा करवाएंगे। इनको बोला यहीं लगा दो। जय हो हरि बोल। चलो जी,
तो यहाँ पर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो एजेंसी है वहाँ से हमको 5 लीटर पेट्रोल की स्लिप मिली थी, वो ये ऑथराइज पेट्रोल पंप है, तो 5 लीटर वो प्लस बाकी अपना डलवाएंगे। इसका जो फ्यूल टैंक है 40 लीटर का है, एजेंसी से ऑलमोस्ट एकदम खाली मिली थी, तो अब देखते हैं कितना आता है, फुल करवा रहे हैं। भाई दोस्तों, कल क्या है कि कल हो गया था मैं लेट, तो मैं आपको सारी डिटेल नहीं दे पाया, तो अभी मैं आपको बची कुछ जो भी बातें रह गई है वो आपको मैं आपसे वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ और घर पर ही हूँ, तो देखो मैं आपको गाड़ी की डिटेल बता देता हूँ। भाई पहली बार ऐसी मतलब बड़ी गाड़ी चला रहे हैं हम, तो बहुत सारी अच्छाई तो है ही है, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। गाड़ी के साथ हमको एक ये देखिए ये गिफ्ट मिला, नेक्सा का ये गिफ्ट मिला, इसके अंदर क्या है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर भाई ये ऐसे ये कप मिले हमको, ठीक है, एक तो ये वाइट कलर का कप है, बड़ा अच्छा सा ये, देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये इस तरह से इसका ये सेट किया हुआ है, एक ब्लैक है एक वाइट है, ये दो कप मिले थे हमें गाड़ी के साथ। अब मैं आपको गाड़ी की कीमत वगैरह बता देता हूँ, है ना। 14,10,000 की गाड़ी पड़ी है मुझे ऑन रोड, सब कुछ मिला के। टॉप मॉडल है तो इसमें ना कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, और मेरे को इस पर मिला लगभग 1,90,000, 2 लाख के आसपास का मुझे डिस्काउंट मिला है, क्योंकि ये 25 दिसंबर से और लगभग अभी 15-20 जनवरी तक जिम्नी के ऊपर मारुति ने ये डिस्काउंट दिया हुआ था, तो ये डिस्काउंट है। और इसमें 14 लाख में से 7.5 लाख का हमने लोन किया है, तो हमने लोन किया लगभग आधी अमाउंट हमने लोन किया है, जो बाकी पैसे बचे उसमें से भाई 2 लाख रुपए मुझे मिले हैं YouTube से, तो जो 2 लाख रुपए हैं वो YouTube की कमाई का है हमारा, तो पहली गाड़ी है अपनी जिसमें YouTube की कमाई का कुछ हिस्सा गया है जो मैंने आपको बताया था, और बाकी हमने कैश दिया है। जो EMI देंगे वो लगभग YouTube से आ जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं रहेगी तो देखेंगे, बाकी EMI की ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप सब ये कह सकते हैं कि जब EMI कंप्लीट हो जाएगी तो 50% से ज़्यादा की ये रहेगी कीमत, वो YouTube से आएगी हमको। तो ये सारी थी गाड़ी की डिटेल। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे पता है, कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई थार ले लेते इससे अच्छा, तो भाई थार भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैंने थार क्यों नहीं लगी, क्योंकि भाई मेरी जो कुछ ज़रूरतें थी घूमने की, जो नीड है बेसिक नीड, वो थार पूरा नहीं कर पा रही थी, और ये गाड़ी उसके कंपैरिजन में आराम से पूरा कर पा रही थी। वो सब चीज़ें क्या है, क्या डिटेल्स हैं, और हम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा जब इसका रिव्यू बनाएंगे और थार के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आज है वेंसडे, ये फ्राइडे को एक दिन बाद अपन जिम्नी को लेकर राइड पर जाएंगे, लॉन्ग राइड पर, उसमें हम फील करेंगे कि इसका भाई क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है सारी चीज़ें, और वो रिव्यू हम आपको देंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ़।